नमस्कार, मेरा नाम है स्नेड मिस्ट और आज हम फर्स्ट राउंड करने वाले हैं एचएमएस बेब्लेड बैटल का, जो कि है खासकर सब्सक्राइबर्स के लिए। इसमें हमने सब्सक्राइबर्स को चूज करने दिया था कि उनको कौन सा एचएमएस बेब्लेड पिक करना है। उसके बाद वो बेब्लेड उनके नाम पे रजिस्टर हुआ और ये टूर्नामेंट में वो बेब्लेड उनका बेब्लेड कहलाएगा। तो मैंने सबके नाम नोट डाउन किए, काफी सस्ता सा जुगाड़ यूज किया है मैंने, यहाँ पे पेपर पे लिख के रखा है। तो एक बार बैटल चालू करने से पहले हम सारे एंट्रीज को पढ़ लेंगे। तो हमारे पास है गेमिंग जंक्शन, जो एडवांस गार्डियन पिक किए है। हमारे पास ललित कुमार है, जो कि ड्रिगर एमएस पिक किए है। विराट सक्सेना, उन्होंने फैंटम फॉक्स एमएस पिक किया है। फिर हमारे पास है मैन ऑफ स्टील, जिन्होंने स्ट्रैटा ड्रैगून पिक किया है। फिर हमारे पास है संत गुप्ता, सी ड्रैगन एमएस है उनके पास। फिर हमारे पास है फन जोन फॉर किड्स, ड्रैगून एमएस। तो इन ये शायद से सबसे पहले थे जिन्होंने कमेंट किया था, मेरे हिसाब से, अभी याद नहीं मुझे। डेथ गार्गोइल एमएस, जिनित्सु एडिट्स। फिर उसके बाद पेसीरियस, बा कसम क्या नाम है इसका, मतलब बता दो यार, ये मतलब कभी कभी गलती हो जाती है नाम प्रोनाउंस में, क्या है इसका मतलब। एडवांस एवरेजर है गोजो, ओह ये तो मतलब अलग अलग एनीमे से शादी होके आया है, गुजो गुजी। हाँ, यहाँ पे है इटर्नर एमएस। फिर हमारे पास है डायनामिक बर्स्ट, है गलत, काफी डबल मीनिंग निकल रहा है नाम का, बट कोई बात नहीं, डार्क लेपर्ड एमएस यूज करेंगे। फिर हमारे पास है अर्जुन कुमार, गलत नाम लिया था सॉरी, ड्रसील एमएस। फिर हमारे पास है ड्रैगन फैंग, केनी का वेबलेट यूज करेंगे। स्कल नूप स्ट्राइकर यूज करेंगे। और उसके बाद अरिजीत है हमारे ड्रॉन्जर एमएस के साथ। तो चलिए बैटल को शुरू करते हैं। सिंपल रहेगा, 3 पॉइंट बैटल हम यूज करेंगे सिस्टम, जिसमें कोई भी मतलब प्लेयर अगर, मतलब कोई भी वेबलेट अगर 2 राउंड जीत जाता है तो ओवरऑल वो मैच उसको मिल जाएगा। तो वैस सिंपल है, हम इवन ऑड करेंगे। तो हम अभी ऑड ऑड से चालू करते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट ब्लेडर है उसका नाम है गेमिंग जंक्शन, वो तीसरे नंबर वाले से लड़ेगा, सिंपल बात है। तो तीसरा नंबर वाला है विराट सक्सेना। तो हमारा फर्स्ट बैटल है गार्डियन, एडवांस गार्डियन वर्सेस फैंटम फॉक्स एमएस। वैस चलिए बैटल को शुरू करते हैं, तैयारी हो जाए। तो हम आज के वीडियो में देखते हैं कितने बैटल्स कंप्लीट कर पाएंगे। फैंटम फॉक्स एमएस और हमारे पास है एडवांस गार्डियन। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली फॉक्स को पहले लॉन्च करेंगे क्योंकि गार्डियन के पास कम स्टैमिना होता है। तो 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अरे ये अपनी चड्डी छोड़ दिए है, कोई बात नहीं। तो ये तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया फॉक्स के पास, पर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अरे यार पेन लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी धीरे से बैटल चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई कौन जीतेगा। फॉक्स तो काफी मतलब डिसएडवांटेज में दिख रहे हैं मेरे को। और ये इसी के साथ फर्स्ट राउंड गार्डियन का होता है। अब राउंड 2 चालू करते हैं। अगर सेकेंड राउंड भी गार्डियन जीत जाता है तो ओवरऑल यहाँ पे गार्डियन की विक्ट्री हो जाएगी और फॉक्स पहले ही राउंड में बेचारे बाहर हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अब फॉक्स ने अपनी नाड़ा सही से बांध के रखा था, छूटा नहीं है सही। अब देखते हैं गाइस फॉक्स कुछ अच्छा कर पाता है कि नहीं। अरे वाह, अब फॉक्स ने 2 बेब्लेड, अरे निकल गया वही। अरे कमेंट्री तो हो जाने दो यार। और ये यहाँ पे फॉक्स बहुत बुरी तरीके से, और इसी के साथ गाइस गार्डियन क्लीन चिट में जीत जाता है। यहाँ पे फॉक्स का एक बेब्लेट घूम रहा है, बट हाँ गार्डियन प्रमोट हो गए हैं। तो हमारे फर्स्ट है गेमिंग जंक्शन, ये फर्स्ट राउंड में जीत गए और आगे प्रमोट हो गए। और काफी सैड बात है, बट हाँ विराट सक्सेना और उनका फैंटम फॉक्स बाहर हो गया। तो गाइस चलिए सेकेंड बैटल चालू करते हैं। हमारे पास है ललित कुमार और उनका ड्रिगर, और हमारे पास है मैन ऑफ स्टील और उनका स्ट्रैटा ड्रैगून। तो गाइस ड्रिगर को पहले लॉन्च करेंगे। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और ये गया ड्रिगर और ये गया स्ट्रैटा ड्रैगून। ओके फाइन, नॉन कॉन्टैक्ट किया होता तो यहाँ पे एक चांस मिल जाएगा स्ट्रैटा ड्रैगून को। काफी लकी में बच गया स्ट्रैटा ड्रैगून, नॉन कॉन्टैक्ट किया होता इसकी वजह से एक चांस मिल रहा है स्ट्रैटा ड्रैगून को। और नहीं तो फिर अगर केओ मतलब कांटेक्ट करके बाहर जाते थे तो फिर पॉइंट गवा बैठते थे। चलिए चालू करते हैं। 3
3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओह क्या बात गाइस, ड्रिगर एमएस को बहुत ही कड़क तरीके से केओ कर दिया है स्टडर्ड रेगुन ने फर्स्ट शॉट में, और एक पॉइंट यहाँ पे स्टडर्ड रेगुन अपना कमा बैठे है ड्रिगर के सामने। देखते हैं गाइस ड्रिगर वी टू सेकेंड राउंड में क्या ये मुंह तोड़ जवाब दे पाता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, या स्टडर्ड रेगुन अपनी जीत कायम कर लेता है। काफी परसिस्टेंट अटैक्स और ये अच्छा अटैक, क्या बात, और ये काफी अच्छा अटैक दे रहे हैं स्टडर्ड रेगुन, लेकिन थोड़े कम पड़ गए मेरे हिसाब से, थोड़े से कम पड़ गए। ड्रिगर एमएस यहाँ पे टिक गए कैसे वैसे, सेकेंड राउंड में डिफेंस करके जीत गए गाइस ड्रिगर एमएस। तो सेकेंड राउंड ड्रिगर एमएस के नाम अब टाई हो गया है। थर्ड राउंड अब जाएंगे, क्या देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, और ये स्टार्टेड रेगुन। ओहो हो क्या बात है गाइस, बहुत अच्छा अटैक था बट उसके बाद फॉलो अप हिट नहीं कर पाए, और स्टार्टेड रेगुन जूझते हुए। काफी अच्छा ट्राई था स्टार्टेड रेगुन का, काफी अच्छा हिट था स्टार्टिंग में, बट फॉलो अप हिट्स ना होने के कारण यहाँ पे स्टार्टेड रेगुन हार गए हैं गाइस, और सेकंड मुकाबला जीत जाते हैं विराट सक्सेना, सॉरी सेकंड जो जीतते हैं ललित कुमार और उनका ड्रिगर एमएस। तो बढ़ते हैं गाइस अभी थर्ड मैच की ओर। थर्ड मैच होने वाला है संत गुप्ता और उनके सी ड्रैगन एमएस के बीच में, और मतलब संत गुप्ता और उनका सी ड्रैगन एमएस, और हमारे पास सेकंड बेब्लेड है डेथ गार्गॉयल एमएस जिनित्सु एडिट्स का। तो गाइस देखते हैं क्या होता है इसमें, हम बारी बारी से लॉन्च करेंगे। तो अभी सी ड्रैगन को पहले लॉन्च कर रहे हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। यहाँ पे सी ड्रैगन ने बड़ा हाथ खेला है, और हमारे ये जो डेथ गार्गॉयल है उनको एक अच्छे अटैक से बाहर निकाल दिया। बढ़िया बढ़िया था, मजा आ गया। तो अब डेथ गार्गॉयल को पहले लॉन्च करेंगे। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। डेथ गार्गॉयल अपने अलग टाइप के टिप का थोड़ा फायदा उठा रहे बट अटैक कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे डेथ गार्गॉयल का, जिसकी वजह से वो थोड़े नुकसान में रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टैमिना वेस्ट हो रहा है अभी, और अगर स्टैमिना वेस्ट होते रहेगा तो फिर ओवरऑल एंड में क्या करेंगे। तो यहाँ पे सी ड्रैगन मस्त चिल कर रहे हैं, अगर ये राउंड सी ड्रैगन जीत जाते हैं तो फिर नहीं, मुझे नहीं लगता डेथ गार्गॉयल ऐसे होने देंगे। और इसी के साथ गाइस डेथ गार्गॉयल ने रिटर्न कर लिया है सी ड्रैगन एमएस का। अच्छी कोशिश थी बट डेथ गार्गॉयल को सेकेंड राउंड मिल गया, और काफी बराबरी का मुकाबला चल रहा है। अब बढ़ते हैं लास्ट राउंड की ओर। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, और अब काफी डिफेंसिव स्टैंस है सी ड्रैगन का और डेथ गार्गॉयल का भी। ओ क्या बात गाइस, सी ड्रैगन ने सीधा बाहर का रास्ता चुना है और डेथ गार्गॉयल एमएस यहां पे जीत जाते हैं। तो यार पिछले धमाकेदार बैटल के बाद अब हमारे पास है फन जोन किड्स और उनका ड्रैगन एमएस वर्सेस पेसीरियस और उनका एडवांस एवरेजर। मुझे लग रहा है कि मैं नाम गलत ले रहा हूँ, ये पता नहीं, अगर वो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बता दे, ज्ञान दे अपने नाम के बारे में तो मजा आ जाए। तो चालू करते हैं गाइस एडवांस एवरेजर को हम पहले लॉन्च करेंगे। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ सर बाहर चले गए, ओके उनको मन नहीं है थोड़ा लड़ने का मेरे हिसाब से, तो वापस करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट सा बैटल रहेगा ये। क्या बात है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, मुझे तो ये इम्पॉसिबल बैटल लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी हेल्पिंग हैंड तो कोई है नहीं, बट देखते कोशिश करते। और ये ओ काफी क्लोज था, एडवांस एवरेजर ने स्पीड पिक कर लिया था, बट ड्रैगन एमएस का ओवरऑल अटैक जो इनर अटैक था काफी स्ट्रांग था, और ड्रैगन एमएस ने एवरेजर को बाहर कर दिया। बढ़ते हैं सेकेंड राउंड की और देखते हैं क्या होता है सेकेंड राउंड में, क्या एवरेजर जीत हासिल कर पाते हैं। तो 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अब ड्रैगन बाहर जा रहे हैं, क्या बात है। ओ यार ये बैटल बहुत ज्यादा
नाक में दम करने वाला बैटल होने वाला है, बट कोई बात नहीं, हम ये बैटल करेंगे और उसके बाद कुछ और थोड़े बैटल्स हैं, फिर हम अपना फर्स्ट राउंड ओवरऑल कंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्रैगन एमएस की पहली राउंड में जीत तो हो गई है, और ये अच्छा अटैक एवरेजर का, ओ हो, ड्रैगन को रोक लिया काफी अच्छे तरीके से। एवरेजर ने अभी ड्रैगन को रोक लिया है, पहले कैसे हो गया था कि ड्रैगन को वो रोक नहीं पाए और अपने ही रिकॉइल के जैसे उड़ गए। अब एवरेजर अपना सही रंग दिखा रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन एमएस के सामने एवरेजर ये एक्चुअली एक काफी स्ट्रांग बेब्लेड है, और स्पिन स्टील करते हुए ड्रैगन एमएस और एवरेजर का लास्ट रोटेशन, इसी के बाद एवरेजर एक पॉइंट जीत जाते हैं। अब किसी का भी मैच हो सकता है गाइस, फाइनल राउंड है, और ड्रैगन की टिप को हम थोड़ा चमका लेते हैं, और चलो गाइस ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओहो, काफी अच्छा हिट था एवरेजर का, मोस्टली ऐसे लग रहा था ड्रैगन अब केओ हो जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं गाइस, किसी का भी राउंड हो सकता है ये। ड्रैगन एमएस अगर पहले ही ज्यादा घिस गए तो एवरेजर के पास, और वो गाइस क्लियर कट था, ड्रैगन एमएस लास्ट एक रोटेशन से जीत गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रैगन एमएस जीत जाते, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा और वापस आऊंगा। तो गाइस मैंने चेक करके देखा, बट ये बहुत ही क्लोज कॉल था, यहाँ पे मेरे हिसाब से एवरेजर पूरा का पूरा जीत नहीं पाया, मतलब सॉरी ड्रैगन एमएस पूरा जीत नहीं पाया। और हम किसी के फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते, इसके लिए हम एक और राउंड कर लेंगे, सो दैट हम एकदम ही क्लियर ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे। तो 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओहो, ये कुछ ज्यादा ही क्लियर ऑब्जर्वेशन था गाइस, और यहाँ पे एवरेजर जीत जाते हैं, और इसी के साथ गणपति का बैकग्राउंड नॉइज चोरों शोरों से शुरू हो जाता है, मां कसम। तो यार एवरेजर जीत गए यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे पेरिसियस, ये हमारे सर फोर्थ एंट्री है जिनकी सेकेंड राउंड में आएंगे। अब गाइस बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर। तो क्षमा चाहता हूँ गाइस, हम यहाँ पे हमारा ये राउंड बैकग्राउंड नॉइज के से एंड करने वाले हैं। अगला राउंड हम बाकी का कल रिकॉर्ड करेंगे, आज आप ये देख सकते हैं, और बाकी के जो बचे हुए बैटल्स हैं वो राउंड वन के कल कंप्लीट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।